हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसएन फूड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कांदा की सब्जी की रेसिपी, जिसको रतालू भी बोलते हैं। तो कांदा को पहले से ही हमने उबाल के काट के रख लिया है। अब सब्जी बना लेते हैं। तो कढ़ाई गैस पे रख दिया है, उसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच। तेल को पहले गर्म कर लेंगे। अब गाइस, इसमें चुटकी भर हींग डाल लेंगे। अब इसमें 2 तेज पत्ता डाल लेंगे और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल लेंगे। अब गाइस, जीरा तड़क चुका है, प्याज डाल लेंगे। तो ये 2 प्याज है जिसको लंबा लंबा काटा है, मिक्स करेंगे। अब प्याज के लाल होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लीजिएगा। प्याज गाइस अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे, ये 2 टमाटर है जिसको छोटा छोटा काटा है, मिक्स करेंगे। गाइस आलू डाल लेंगे, आलू को भी फ्राई करेंगे। तो ये 2 बड़े साइज के आलू है जिसको छोटा छोटा काटा है ऐसे। मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम हाई रखिएगा। अब गाइस आलू फ्राई हो चुका है, अब कांदा डाल लेंगे। कांदा को ऐसे काट लिया है, मिक्स करेंगे। अब गाइस इसमें मसाले डाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ 2 चम्मच, आप स्वाद अनुसार डालें। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे। 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेंगे। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, मिक्स कर लेंगे। अब गाइस थोड़ा सा इसमें वाटर डालेंगे ताकि मसाले चिपके नहीं, और अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए गाइस, मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इन्हें भून लेते हैं अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए। अब गाइस मसाला फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब इसमें पानी डालेंगे, 1.5 गिलास पानी डाल लेंगे, मिक्स करेंगे और इसे अब ढक के पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। गाइस ये देखिए सब्जी रेडी हो गई है, अच्छे से पक चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो अब गाइस इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। मिक्स कर लेते हैं और अब गाइस मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, सब्जी को मैंने बोल में सर्व कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये सब्जी गाइस बहुत अच्छी लगती है, आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, सबके साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस ये रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है, इसमें ज्यादा कोई झंझट भी नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगती है। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।